अभी मुरली चलाने उसके बताए गए दुनिया के हर मनुष्य भगवान को मानता है पर नास्तिक ही तो वो लोग जो मनुष्य है फिर वो नास्तिक कैसे है। जब पावर तो विनाश होगा चारों तरफ बम फटेंगे उनके पैर में भी बम फटेंगे तो उनको कोई आकरा रह जाएगा अपनी बुद्धि के ऊपर विश्वास रह जाएगा अहंकार कागित बचेगा नहीं बचेगा अंत में वो भी कहेंगे ओ गॉड फादर रहम करो। ये भर्ती मार जाए जिस समस्या लो वरा वरा जाना है ना टिक टिक वरा वरा अवतार हाँ वो जाना है ना बारह दिन का प्रदर्शन करा है दूसरे दिन भी बारह दिन का करा है दूसरे दिन भी प्रदर्शन हाँ बारह दिन का करा होगा हाँ क्या समझ करे बारह दिन का प्रदर्शन करा आए की प्रदर्शन करा मंदिर था अरे शास्त्र में दिखाया है आंध्र प्रदेश में हुआ है आंध्र प्रदेश में बाबा आंध्र में शिव मंदिर के पास एक वराहर ने नदी में नहाकर दो दिन लगातार प्रदक्षिणा किया पागल हो गया होगा बाबा नदी कोई अवतार मानकर उसका पूजा करने लगे हैं पागल पर में गड़बड़ी भी कुछ का कुछ करने लगते हैं और उसका रथ यात्रा भी निकला है बाबा अरे मनुष्यों की क्या वो तो किसी को भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं हाँ जी बाबा ये पागलों के अच्छी काम बच्ची काम कर रहा है बुरी काम कर रहा है पागल हो रहे ना अच्छी बात है बुरी बात है पागल होना तो बुरी बात है बेअर्थ का काम करेगा पागल कोई अर्थ सहित काम करेगा क्या भक्ति मार्ग में भी जितने काम करते हैं वो सब व्यर्थ काम करते हैं कि समस्ती के काम करते हैं व्यर्थ काम करते हैं यहाँ पे मनुष्य नहीं करा जानवर करा हाँ हाँ मनुष्य जानवर से भी बदतर है वो जानवर से ठीक है ना हाँ जी और मनुष्य प्रदक्षिणा करते हैं मंदिर की तो कोई उनके पीछे नहीं पड़ता और जानवर ने प्रदक्षिणा कर ली तो सबकी बुद्धि उस जानवर के पीछे भागने लगी टीवी में दिखाना शुरू कर दिया हाँ जी बाबा एक वार्तालाप में बोला है प्रजापिता जी पहला ब्रह्मा नहीं है वो पहला ब्राह्मण है माना पहला ब्राह्मण बनने के लिए कोई ब्रह्मा तो होना चाहिए वो पहला ब्रह्मा कौन इस माता से सुना वो आदि ब्रह्मा हो गया लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हो गया आदि ब्रह्मा तो हुआ क्योंकि ब्राह्मण बनने के लिए ब्रह्मा चाहिए ब्राह्मण बनने बिगर मुरली का वाक्य है ब्राह्मण बनने बिगर प्रजापिता होगा क्या माना पहला ब्राह्मण जब बने
तब ही कहा जाए ब्रह्मा ब्रह्मा की औलाद बने, और ब्रह्मा की औलाद बनने के लिए पेट से होना जरूरी नहीं है पैदा। वो किसी की पैदाइश होनी चाहिए, तो किसके मुख से सुना? किसके मुख से सुना वो गया आज ब्रह्मा। बाबा ब्रह्मा तो विष्णु का छोटी माँ बने, अंत ब्रह्मा है जो आदि ब्रह्मा, तो कौन सा ब्रह्मा? आदि ब्रह्मा तो आदि तो अंत ब्रह्मा माना, जो ब्रह्मा की चार भुजाएं दिखाई जाती है या विष्णु की चार भुजाएं दिखाई जाती है, उनमें लास्ट भुजा कौन है? किसका पार्ट है? राइट भुजा को पहले रखेंगे या लेफ्ट भुजा को पहले रखेंगे? राइट को पहले रखेंगे। और ऊपर की दो भुजाएं और नीचे की दो भुजाएं, ऊपर की दो भुजाओं को पहले रखेंगे या नीचे की दो भुजाओं को पहले रखेंगे? ऊपर वाली पहले रखेंगे। तो नंबर लगा दो चारों ब्रह्मा के, पहला कौन हुआ? कौन हुआ है? अरे ब्रह्मा तो विष्णु हुआ ना, माना जो वैष्णवी शक्ति है वही पहला ब्रह्मा है। जो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ज्ञान निकला, साक्षात्कारों का अर्थ निकला बीज रूप में, उसको पहले पहले हृदयंगम किसने किया? हृदय में धारण किसने किया? मुंह से बोल बोल करना अलग बात है, और प्रैक्टिकल जीवन में समाय लेना धारण कर लेना वो अलग बात। तो पहला पहला ब्रह्मा कौन हुआ? जो ब्रह्मा तो विष्णु, तो विष्णु बनने में आगे कदम बढ़ाने वाली आत्मा कौन? अब लास्ट ब्रह्मा कौन? अरे चार भुजाओं में लास्ट भी तो कोई है, है? दादा देख रहा वो राइटियस हो जाए है या राइटियस है? राइटियस है। गधा किसको दिखाया है? गधा जो है वो बुद्धिमान की निशानी है या कम बुद्धि वालों की निशानी है? कम बुद्धि वालों की निशानी है गधा, उसको राइटियस हैंड में दिखाई जाती है गदा, वो लास्ट हैंड नहीं है फिर भी राइटियस है। तो लास्ट हैंड कौन सा है? जो सारी दुनिया के आखिरी असरों का भी विनाश करेगी वो कौन है? महाकाली, महाकाली असर पंडारी। अभी बाहर दुनिया में अपने को ब्राह्मण कह रहे हैं ना, वो लोग ब्रह्मा को पता ही नहीं है कि कैसे किस आधार से वो लोग अपने को ब्राह्मण समझ रहे हैं। वो कहाँ अर्थ को पकड़ते हैं?
उन शास्त्रों में जो भी नाम है उनके अर्थ को पकड़ते हैं क्या? वो अर्थ जानते ही नहीं है तो पकड़ेंगे कैसे? वो कहाँ जानते हैं कि विष्णु की औलाद को वैष्णव कहा जाता है? वो विष्णु कौन है इसकी औलाद वैष्णव हुए? ब्रह्मा की औलाद को ब्राह्मण कहा जाता है, वो ब्रह्मा कौन है? शिव की औलाद को शैव कहा जाता है, वो शिव कौन है? बात का उनको पता है क्या? तो दुनिया वाले तो दैहिक आधार पर समझते हैं कि ये ब्राह्मण है, उनकी बुद्धि में ये बात है ही नहीं कि ब्राह्मणों की पैदाइश वास्तव में मुख से होती है ज्ञान सुनने से। ब्राह्मण ज्ञान की औलाद है, पेट की औलाद नहीं है। ज्ञान के आधार पर उन्होंने जीवन चयन किया, पेट से पैदा होकर के कोई अपना जीवन परिवर्तन नहीं कर लेता है। तो दुनिया वालों की तो बात ही छोड़ो, जो फेल हो गए तो क्षत्रिय, फेल होकर के जो सदाकाल के लिए विषय वासनाओं में रमा कर गए। बहुत से देवताएं ऐसे भी तो है जो त्रेता के बाद पहले जन्म में आते हैं इस्लाम धर्म में हमेशा के लिए कन्वर्ट हो जाते और विज्ञात होते होते जिन्होंने नीचे के नीचे धर्म में कन्वर्शन कर लिया। नीचे के नीचे धर्म कौन से है? आर्य समाज और सूत्रों के लिए जीवन में कोई बहन नहीं, कोई बहू नहीं, कोई बेटी नहीं, और जानवरों ने तत्व को भोगते जैसे रखिए हम एक तो कष्ट बच्चे को मिट्टी खाते हुए दिखाया है भागवत में, और दूसरे पीपल के पत्ते पर कृष्ण अंगूठा चूसते हुए आया। वो अंगूठा चूसते हुए बात अलग है, और फिर जो मिट्टी खाते हुए दिखाया गया वो बात अलग है। दोनों को एक नहीं कर देना। पहले अंगूठा चूसता है या पहले मिट्टी खाता है? पैदा होते ही बच्चा अंगूठा चूसता है या मिट्टी खाता है? क्या करता है? अंगूठा चूसता है। अंगूठा जो है वो भक्ति मार्ग में आत्मा की यादगार मानी जाती है। अंगूठा अंगूठा का आत्मा है। लिंग बड़ा मानते हैं परमात्मा को, और शालिग्राम को अंगूठा कार मानते हैं। जो रामकृष्ण की आत्माएं हैं वो शालिग्राम है, अंगूठा है। तो पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आया का मतलब कि वो आत्मा मनन चिंतन मंथन की आत्मिक स्टेज की अंगूठा चूसते हुए स्टेज में दिखाया गया।
की स्टेज नीचे उतरने की होगी या ऊपर चढ़ने की होगी? पहले तत्व पदार्थ, बाद में तत्व सामान्य रजो और तब। तो बचपन का जो बाद का हिस्सा है उसमें ये दिखाया गया है कि कष्ट मिट्टी खाता है। ये देह क्या है? मिट्टी है। ये देह कष्ट को भोगना, ये मिट्टी खाने की बात है। ये कृष्ण को काला दिखाया गया है, काले कृष्ण की पूजा के करते हैं। गोरे कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे। जो मिट्टी खाने वाले हैं वो मनन चिंतन मंथन नहीं करते क्या? करते हैं या नहीं करते? करते भी है। ऐसे नहीं कि 24 घंटे मिट्टी खाई जाती। जब मिट्टी खाते हैं तो मन चिंतन मंथन नहीं होता, और जब मन चिंतन मंथन करते हैं तो मिट्टी खाने की बात नहीं। और अंगूठा मैंने आपने की स्थिति का अंगूठा दी, मतलब बच्चे पैदा होते हैं अंगूठा छूटते, मतलब वो तो उस समय तो बच्चा बुद्धि होता है। बच्चा बुद्धि जो होगा वो आत्म की स्थिति में ज्यादा टिक सकता है, या जो अभिमान में आने वाला भिखारी होगा, बड़ा होगा, वो आत्म की स्थिति में ज्यादा टिकेगा। सोमनाथ मंदिर को 17 बार ज्ञान मार्ग में जिन्होंने भाव को प्रत्यक्ष किया, चार आत्माओं ने जो इस्लाम धर्म का दी किया है, मतलब बार बार आता है, भट्टी करते जाता है, तो धोखा देने आता है या पक्का काम करने आता है? मतलब ज्ञान के रत्न से लूट रहा है, भट्टी करना माना ज्ञान के रत्न लूट। वही तो बात, वो पक्का ये साबित होता है कि वो बाप का बनने आया है या धोखा देने आया है? धोखा देने आया है। और इसी तरह का मोहम्मद गुरु जी ने वो पृथ्वीराज चौहान को बहुत बार धोखा दिया, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को उनको हर बार प्रेम किया, फिर भी अंत में उन्होंने तो उनका आम के निकाल है, मगर उन्होंने पहले ही उनके ऊपर रहम ना किया होता ऐसा होता नहीं था। ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। अरे ड्रामा में जो रूद होता है वैसा ही होता है। अरे उनको तो परखने की शक्ति है, एक जन्म की बात है या पिछले अनेक जन्मों का हिसाब किताब है? अनेक जन्मों का हिसाब किताब है तो वो पूरा करना पड़ता है, वो पार्ट तो उसी जन्म का ही चबाने के और
और दिखाने की ओर। ये बात बड़े-बड़े महारथियों के लिए कैसे लागू होती है? पुरुषार्थी जीवन में जो भी महारथी कहे जाते हैं, वो हाथी सवार महारथी भी तो है, महावीर तो नहीं है। माना जो महावीर की कोटि के पुरुषार्थी होंगे वो अंदर और बाहर एक होंगे या अलग अलग होंगे? एक होंगे। अब ये दूसरे नंबर के पुरुषार्थी है महारथी, ये बाहर से देखने में आते हैं कुछ और। कि बाबा ने बोला है तो ब्राह्मण परिवार में जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा है ऐसा जल्दी मेरे नजदीक नहीं जा सकता। पत्नी और करनी एक होनी चाहिए, दिखावा करना ये दूसरे धर्मों की चीज है। देवी देवता सनातन धर्म के असंतुष्टि बनती है, वो तो अंडरग्राउंड मिलिट्री है, अननोन वॉरियर्स है। उनका दान मान पद पुरुषार्थ सब गुप्त रहता है। दो नंबर के पुरुषार्थी हैं महारथी कहे जाते हैं, वो दिखावा ज्यादा करते हैं। एक वार्तालाप ने कहा है कृष्ण की आत्मा और राम की आत्मा मन बुद्धि रूपी सोतरी में है। मैं राम की आत्मा और कृष्ण की आत्मा दोनों नहीं, कृष्ण वाली जो आत्मा है वो राम की बुद्धि रूपी टोकरी में है। टोकरी माने बुद्धि रूपी टोकरी, इसे कहा गया है वसुदेव। क्या नाम क्या है? वसुदेव। वसु माने धन संपत्ति, देव माने देने वाला, धन संपत्ति देने वाला पार्ट कौन है? एक ही तो पार्ट है, कौन है? रामलिया। तुम वो अपनी बुद्धि रूपी टोकरी में जब यमुना नदी को क्रॉस करता है, यमुना नदी जब उफान पर आती है तो बुद्धि रूपी टोकरी में उस आत्मा की सुरक्षा होती है, पार ले जाता है, वो खुद भी पार जाता है। काली नदी है, विषय वैतरणी नदी है, उस नदी से राम वाली आत्मा भी क्रॉस होकर के पार जाती है, डूबती नहीं है। और साथ साथ उस वाली आत्मा भी पार जाती है। '87 में कृष्ण की आत्मा वो रामवाली शरीर से निकल करके जगदम्बा में प्रवेश करके प्रवेश किया, मतलब किसलिए प्रवेश किया? कोई भी बच्चा है
वो जब तक माँ के गर्भ में परिपक्व स्टेज नहीं धारण करता तब तक जन्म नहीं लेता है। शताब्दी में कष्ट वाली आत्मा कहो, दादा नेत्राज की आत्मा कहो, ब्रह्मा की आत्मा कहो, उनके 100 साल शरीर के पूरे होते हैं। 47 में 60 वर्ष के थे और उसमें 40 वर्ष और ऐड किए तो 87-88 आता है। इस वर्ष में ब्रह्मा की सोल ने उस सीजन के वर्ष में वर्ष भर प्रवेश ही नहीं किया था, गुंजादादी में वाणी नहीं चलाई, सारी ताकत कहाँ लगा दी है? एडवांस पार्टी में लगा। ट्रांसफर हो गई। अब ऐसे नहीं है कि जब बच्चा माँ की गर्भ में आता है तो मन बुद्धि फिर सदैव माँ के गर्भ में ही रहता है। मन बुद्धि से अपने पूर्व जन्म की स्मृति में जाता है या नहीं जाता है? बच्चा हंसता है, कभी रोता है, किसी के हटाने से रुलाने से नहीं, अपने आप ही हंसता है रोता है, वो पूर्व जन्म की स्मृति में चला जाता है। ऐसे ही वो पीपल के पत्ते पर कृष्ण की आत्मा गर्भ में बड़े आराम से दिखाई जाती, मनन चिंतन मंथन का अंगूठा चूमते हुए, कोई तकलीफ नहीं है। भक्तिमान के शास्त्रों में दिखाते हैं कि और बच्चे तो 9 महीने के बाद जन्म लेते हैं और कृष्ण का जन्म 10 महीने से भी ऊपर हो गया तब उसका जन्म हो गया। 88 से लेकर के 98 तक का सारा समय है जहाँ सत्य की प्रत्यक्षता दिखाई जाती है। प्रत्यक्षता रूपी पहला जन्म है होना जरूरी है। बाबा 98 में दोबारा राम में प्रवेश होकर जेल में प्रत्यक्षता हुई ना? है 98 में दोबारा राम में प्रवेश होकर जेल राम में प्रवेश होकर मतलब ब्रह्मा की तरफ दोबारा दोबारा क्यों जेल में प्रत्यक्षता हुई? दुनिया जेल है ही और पुरुष जेल में गर्भ जेल भी है। हाँ उसी प्रकार दोबारा 2018 में वो तो व्यक्तियों कवि का दूसरा जन्म है, ज्ञान की बात है। कहते हैं ब्राह्मण का जब तक यज्ञों का भी नहीं होता है तब तक वो पक्का ब्राह्मण नहीं माना जाता, वो ब्राह्मण ही नहीं तो दूसरा जन्म द्विजन्मा कहा जाता है। तो कृष्ण की आत्मा का जैसे दूसरा जन्म हुआ पक्का ब्राह्मण बना, उसी में पक्का बैठ जाता है कि त्रिमूर्ति शिव का पाठ क्या है,
जम्मू की तिबके जो भी तीन पायदारी हैं उसमें गीता का भगवान कौन है? ये 18 बजा के बुद्धि में बैठ जाओ। आदि सनातन देवी देवता धर्म में दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं भी आ जाती है। अच्छा पहले से एक ही धर्म रहना चाहिए, कैसे अलग अलग हो गया? आ जाती है लेकिन बाद में छटनी भी तो होती है। अभी छटनी हो रही है कि नहीं? बाप को पहचान रहे हैं और पहचानने के बाद नित्य अनित्य बुद्धि निष्कति हो जाते हैं, दूसरे को बाप बना लेते, दूसरे की बात मानते, तो दूसरे धर्म में कन्वर्शन की शूटिंग होने देंगे या नहीं होने देंगे? तो कन्वर्शन की शूटिंग हो रही है, परिवार के होते 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 अंत में हाथ ही रह जाएंगे। वो पक्के देवी देव का सनातन धर्म का ही फाउंडेशन होगा, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर बाद में ऐड होते हैं। शक्तिशाली है लेकिन शक्तिशाली पॉजिटिव होना चाहिए या निगेटिव होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए तो शक्तिशाली को सब मानेंगे। अगर निगेटिव ही निगेटिव है तो कौन मानेंगे? निगेटिव वाले मानेंगे, जो निगेटिव थॉट वाले हैं वो ही मानेंगे या वैष्णव पंथी भी मानेंगे? जो नेगेटिव थॉट वाले हैं वो ही मानते हैं। भंगी है, चमार है, चोर है, डकैत है, वो मां काली की पूजा करते हैं। जो वैष्णवी संप्रदाय वाले हैं वो महाकाली की पूजा नहीं करते। कभी किसी को बात का डंडा लगता है कोई ऐसी घाव लगने वाली बात कह देता है कि जो मारपीट है वो भूल जाती है लेकिन वो बात जिंदगी भर नहीं भूलती। तो ये डंडा नहीं है। और उसमें भी धर्मराज के तो डंडे ऐसे हैं जो लंबे टाइम तक सजा नहीं देंगे, थोड़े टाइम में लंबे समय की सजा मिलेगी। और वो सजा ऐसी होती है खास भारतवासियों को,
दूसरे धर्म वालों को नहीं इतनी ऐसी गहरी सजा होती है कि जो भक्ति मार्ग के 63 जन्म है उन 63 जन्मों में वो सपने भी धर्मराज के सूतों को दूतों की मार के सपने देते रहते हैं। वो स्मृति हटती नहीं है और धर्म वाले ये नहीं मानेंगे कि जब मृत्यु होती है तो धर्मराज के दूत लेने आते धर्मराज सजा देते हिंदू लोगों में मान्यता है तो हिंदू लोग ऐसे सपने क्यों देखते हैं स्वप्न और संकल्प का कोई संबंध है या नहीं है जैसे संकल्प करता है वैसे ही स्वप्न आते और इनका फाउंडेशन पड़ता है संगलिंग अंत मते तो गति हो जाती है अंत समय में जो आत्मा जितनी जाति सजाएं खाएंगी उतनी जाति 63 जन्मों में दुखी होती रहेंगी जन्म जन्मांतर और जितनी कम सजाएं खाएंगी अंत मते दो जन्म जन्मांतर की गति होती रहेगी। एक वार्तालाप में तो आए हैं कि भगवान जी अपने जेब से कुछ नहीं देता तो फिर मनुष्य एक दूसरे से कैसे ले अपनी जेब जेब माने बुद्ध रूपी जेब से ज्ञान तो देता है कुछ क्यों नहीं देता है ना भगवान ईश्वर रूप में किसी को कुछ नहीं देता न किसी को पाप देता है न किसी को पुण्य देता है हर आत्मा अपने लिए अपना बीजा रोपण करती है उस उससे रास्ता बताता है ज्ञान सुनाता है ये राइट है ये रंग बाकी भगवान किसी को भाग्य नहीं बांट देता कोई को दुर्भाग्य नहीं बांट देता तो भगवान को पक्षपाती कहा जाएगा पक्षपाती तो हो ही नहीं सकता हाँ और तरीका बता देता है जीवन जीने का जो बताए हुए अच्छे तरीकों पर जो चलेंगे वो जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगे नहीं चलेंगे सुखी रहेंगे दुर्भाग्यशाली बनते रहेंगे तो इसमें भगवान क्या देता है क्या देता है नाज रख रहे करना माने कोई काम के लिए कहा जाए तो बहाने बाजियां बना लेने लगना अभी नहीं करेंगे फिर बाद में करेंगे हम नहीं करेंगे अच्छा ऐसा करो तो हम करेंगे लेते रहना काम नहीं करके दिखाना तो कहते नाज न करे दिखाना बाप तो नाज न करे बच्चों के सहन कर लेता है और माँ तो सहन करती ही है लेकिन सदगुरु कोई के नाज नखरे सहन नहीं करेगा उनका बुलावा अनाताल का बुलावा बाबा
हम बच्चों को जितने अनिश्चय जो हम सब बच्चों को आता है शिव बाबा के ऊपर पूरा राम को मैंने शिव हिंदी के ऊपर निश्चय है या किसका निश्चय है या निश्चय अनिश्चय साकार के ऊपर होता है या बिंदी के ऊपर होता है बिंदी को पहचाने ये कैसे कौन सी बिंदी भगवान बाप है कैसे पता चलेगा पता नहीं चलेगा निश्चय निश्चय की बात कर निश्चय पत्र लिखा जाता है तो नाम रूप गुण धाम एड्रेस कारण लिखाया जाता है तभी तो निश्चय पत्र साबित होता है ये तो काय के ऊपर निश्चय मतलब आपके पद पर निश्चय है आपने आप का निश्चय है पद है और अपने आप का स्वरूप भी तब होगा जब बाप का परिचय होगा बाप ही हमको अनेक जन्मों का ज्ञान कराता है पद मान मतवा हमें मिलेगा किसे बाप से ही मिलता है सुमित्रा वाली नहीं मित्र मित्र माने मित्र सुंदर मित्र अरे तो बीच में कौन सी देवी रह गई भूल गए ओमराजे मम्मा को कुछ लिस्ट में रखेंगे छोटी माँ में पार्ट नहीं चलता छोटी माँ में Thank you.